एक बार बत्तख अपने अंडों को रखकर आराम से बैठ रही होती, तभी उसके पीछे कैक्टस छुप जाता और वह दर्द के मारे इधर उधर दौड़ने लगती और उसका सर जाके एक पत्थर से टकरा जाता है और वो दो में बट जाती है। फिर उनको अपने शरीर पर विश्वास नहीं होता है कि वो लोग दो में बट चुके हैं। फिर उन्होंने अचानक से अंडे को देखा और फिर खुद को देखा और फिर वो लोग अंडे के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और वो लड़ते लड़ते आपस में फिर से जाके उसी पत्थर से टकरा जाते हैं और वो दो से चार में बदल जाते हैं। फिर सभी बत्तखें आपस में लड़ने लगती हैं और लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ने लगता है। फिर वो लोग आपस में लड़के सभी हद पार करने लगते हैं और फिर सभी बत्तख लड़ते लड़ते थक जाते हैं और फिर तभी उनमें से एक बत्तख बाहर निकलकर एक गेंडे को खींच लाता है और फिर उनके ऊपर पटक देता है और फिर उनको सबको चढ़ाते हुए अंडों को लेकर चला जाता है।